नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। जम्मू कश्मीर स्पेशल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर ने श्रीनगर में अपनी नाजुक धाती शिल्प का प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार इकराम हुसैन ने कहा कि मुरादाबाद का धातुकर्म विश्व के चारों कोनों में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि ये कहना मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है कि हमारी कलाकृति को दुनिया भर में सराहा जाता है। उन्होंने देश में उन कलाकारों पर खुशी व्यक्त की जिन्हें अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच दिया गया है। इस प्रक्रिया के बारे में बोलते हुए हुसैन कहते हैं कि धातुशिल्प एक ऐसी चीज थी जो मुरादाबाद के सभी बच्चों को छोटी उम्र में सिखाई गई थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। ये पीतल के बर्तनों पर मैं नक्काशी करता हूँ। हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट का लैब है, उसका नाम है मेटल सर्विस सेंटर MHSC के नाम से, जो मैंने वहाँ से ये ट्रेनिंग प्राप्त करी है। मेटल सर्विस सेंटर पूरे भारत में परिचित है। एक्सपोर्ट मुरादाबाद में जब एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्टरों की फिनिशिंग वहाँ पर तैयार की जाती है। तैयार करने के बाद में करोड़ों रुपए का हमारा देश विदेशी मुद्रा कमाता है, उस पर फर्स्ट नंबर पर हमारा मुरादाबाद आता है। यहाँ के अधिकारियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के जो मैंने क्राफ्ट मैन, यहाँ के जो शिल्पकार हैं, उनकी जब मैंने कलाकारी को देखी तो उनकी कलाकारी को देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। लेकिन मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करा जाए जिससे यहाँ के शिल्पकार देश विदेशों में जागरूकता करें और यहाँ के शिल्पकारों को इससे जो है लाभ भी मिलेगा। इसलिए कि उसमें सरकार जब तक पहला कदम आगे नहीं बढ़ाएगी तब तक यहाँ के जो शिल्पकार हैं, पूरे भारत के शिल्पकार जो हैं, वो बहुत ही एक कमज़ोर, मतलब बहुत हल्के तकवे के लोग होते हैं। सरकार अगर हमें इसका सरकार से अगर हमें कुछ बेनिफिट मिले तो हमारे जो छोटे शिल्पकार हैं उनमें जान पड़ जाएगी। मैं 8 साल की उम्र से मैंने ये नक्काशी का काम चालू करा है। मेरे पिताजी को प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, ने मेरे पिताजी को नेशनल अवार्ड से नवाजा था। मेरा प्रोडक्ट बनाने में जो मास्टरपीस हम बनाते हैं, वो उसको एक एक पीस को बनाने में 4-4 वर्ष लग जाते हैं। मेरा प्रोडक्ट जो है वो डेकोरेशन पीस है और घर में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे घर में ब्याह शादी होती है, बहन बेटी को जो दहेज वगैरह देते हैं उसके अंदर पीतल के बर्तन और तांबे के बर्तन भी देते हैं। चाहता हूँ जाई महोत्सव और बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए और इसकी प्रसन्नता, इसकी जागरूकता, इसका जो प्रचार है वो देश विदेशों में हो, जो बहुत बड़े यहाँ के कश्मीर के शिल्पकारों को लाभ मिलेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।